शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती, जोशीमठ जाकर धसती जमीन को रोक कर दिखाओ फिर मानूंगा चमत्कार। नेताओं की बात, पुजारी संघ ने भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। विरोधियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके कहा कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई हुई तो सड़कों पर मोर्चा खोल देंगे। बीजेपी नेताओं ने किया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन। कैलाश विजयवर्गीय बोले धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाना गलत है। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे बाबा को जेल में बंद कर देना चाहिए। श्रीनगर में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे काफी देर तक बंद रहा, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक सड़क पर आ गए थे। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक, स्नोफॉल के कारण श्रीनगर जम्मू। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाईवे बंद रहा। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड के औली में बढ़ने लगे पर्यटकों की संख्या, जोशीमठ के दशहरा की वजह से नहीं आ रहे पर्यटक। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा प्रभाव, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बारिश की संभावनाएं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से राहत है, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई, आज बारिश होने की संभावनाएं। राजस्थान के सीकर में सर्दी का असर, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। जैसलमेर में शीतलहर का प्रकोप जारी रहा, खेत में फसलों पर जमी दिखी बर्फ की चादर, सर्दी से फसलों को नुकसान। पहलवानों के आरोपों पर खेल मंत्रालय का एक्शन, कुश्ती फेडरेशन के सहायक सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया। खेल मंत्रालय को कुश्ती संघ का जवाब, WFI ने कहा आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पहलवानों का धरना बड़ी साजिश। विवादों के बीच खेल मंत्रालय का एक बड़ा फैसला, गोंडा में नेशनल ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया। ब्रजभूषण सिंह आज देंगे औपचारिक बयान, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का उन पर है आरोप। जम्मू के नरवाल में धमाके के बाद तलाशी अभियान जारी है, सेना और पुलिस टीम्स पर जिम्मेवारी दी गई है। जांच के धमाकों में 9 लोग घायल हुए थे। LG मनोज सिन्हा ने की घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक नया लेटर सामने आया, नोरा फतेही पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा, नोरा चाहती थी मैं जैकलिन को छोड़ दूं। पीएम मोदी DGP IGP सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साइबर सुरक्षा जम्मू कश्मीर जैसे कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर नीतीश कुमार बोले हैं सबको अपना अपना अधिकार है, उनके मन में क्या है वो वही जानते हैं। अमित शाह के बिहार के दौरे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का तंज, कहा बिहार में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं। फिल्म पठान के विवादों पर बोले असम के CM, कौन शाहरुख खान, मैं उनके बारे में नहीं जानता। राहुल गांधी की इमेज पर बोले शशि थरूर, भारत जोड़ो यात्रा से छवि में बदलाव आया, बीजेपी ने छवि खराब करने की कोशिश की थी। राजस्थान कांग्रेस ने आपसी खींचतान पर बोले शशि थरूर, पायलट और गहलोत को बताया कांग्रेस का जीताऊ नेता, बोले चुनाव में दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। राजस्थान कांग्रेस में तनाव पर बीजेपी का तंज, मनजिंदर सिंह सिरसा बोले राहुल गांधी के इशारों पर हो रहा है गहलोत और पायलट का विवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और LG के बीच फिर से तनाव, LG ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि काम नहीं करने देते हैं LG। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उपराज्यपाल को टीचर्स और बच्चों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिल्ली के तुगलकाबाद में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने को लेकर नोटिस दिया गया था, इसको लेकर विरोध है। कोलकाता में पुलिस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, पुलिस ने ISF कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। ISF पर TMC के 2 ऑफिसेस पर बम फेंकने का आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उपराज्यपाल गुंडागर्दी से सरकार चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, कई बोतलें शराब बरामद कर ली गई, 3 कार और 1 स्कूटी जब्त।
गाजियाबाद में पति ने पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी, लाश को टुकड़ों में काट दिया। पुलिस ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया, जांच जारी। यूपी के नोएडा में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, रॉड, कुर्सी और मेज से मारपीट हुई है। गाड़ी से स्टंट करने के दौरान रोका गया था, इसको लेकर मारपीट की गई। बिहार के बारा में चला एक बड़ा ट्रेन हादसा, दो हिस्सों में बट गई चलती मालगाड़ी, ट्रेन के वैगन को जोड़कर उसे रवाना किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी है, कल फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वायुसेना के पूर्वी कमान फरवरी में करेंगे युद्धाभ्यास, लड़ाकू जेट हेलीकॉप्टर के साथ साथ कई हथियारों का परीक्षण होगा। अरुणाचल और सिक्किम में चीन का सामना करती है पूर्वी कमान। तेलंगाना के कामारेड्डी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ने का आरोप है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एनसीसी गणतंत्र दिवस के शिविर का दौरा, कहा देश को एनसीसी पर गर्व है, जवानों को रक्षा मंत्री ने पदक भी दिए। मैनपुरी में बीजेपी नेताओं की दबंग गई, जमीन विवाद में बीजेपी नेता के भाइयों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, 5 लोग इसमें घायल हो गए। दमोह में नशे की हालत में महिला ने जमकर उत्पात मचाया, बीच सड़क पर हंगामा किया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके पति को बुलाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी पर आरोप लगाया, कहा बीएमसी ने कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया है। बीएमसी ने किरीट सोमैया के आरोपों पर कहा खंडन किया, बीएमसी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया। महाराष्ट्र के पालघर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर से मारपीट किया, सामने आया डॉक्टर की मारपीट का वीडियो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस नेता धनंजय मुंडे से मुलाकात की है, धनंजय मुंडे के घर पर ही मुलाकात। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बीजेपी नेता नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का मामला दर्ज किया गया, कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। यूपी के कानपुर में अवैध कब्जा हटाने गई नगर पंचायत की टीम पर हमला, घायलों का इलाज जारी। यूपी के सहारनपुर में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की पशुओं के भरी हुई एक भारी गाड़ियां। महाराष्ट्र के तालेगांव में पुलिस ने डकैतों को गिरफ्तार किया, सोने के गहने के साथ साथ 2 पिस्टल बरामद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, मौके से हथियार बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बांध के पास मिला एक शव, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में पार्टी में फायरिंग हुई, पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कासगंज में शख्स ने दर्ज करवाई लूटपाट की झूठी शिकायत, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर 2 महिलाओं में पिटाई हुई है, पुलिस कर रही है मारपीट करने वालों की तलाश। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान के अलवर में कपड़े की दुकान में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूटपाट हुई है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने शख्स को अपहरणकर्ताओं के चंगुल छुड़वा लिया, 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के झुंझुनू में मंदिर में चोरी हुई, सामने आया सीसीटीवी फुटेज, पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। बिहार के बेतिया में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। बिहार के गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज न करने का आरोप लगाया। बिहार के नवादा में पुलिस ने अपहरण करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भीषण हादसा हुआ, बाइक सवार युवक की मौत हो गई। यूपी के मिर्जापुर में नीलगाय की बाइक सवार से टक्कर हो गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर चला, अवैध संपत्ति पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बाइक पर महिला के साथ शख्स का स्टंट करता हुआ एक वीडियो वायरल, मामले की जांच में पुलिस। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, खनन टास्क फोर्स ने छापेमारी की। यूपी के प्रतापगढ़ में मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन, गांव वालों ने किया रेस्क्यू। यूपी के उन्नाव में लूटपाट करने वाले गिरफ्तार, 18 जनवरी को लूटपाट हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एटीएम से चोरी करने वाले को गिरफ्तार किया, बदमाशों से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है, कई छात्र घायल हैं और पुलिस कर रही है जांच।
यूपी के बाराबंकी में कानूनगो के मुंशी ने खुद को आग लगा ली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में कुएं में गिरा एक गाय, गिर गई है, रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। यूपी के हरदोई में ट्रक से टकराई बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत। यूपी के सीतापुर में घर में आग लगी, बुरी तरह से दो लोग झुलस गए, मवेशियों की मौत। पंजाब के मोगा में चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। सड़क में धंसी पंजाब रोडवेज की बस, बस में सवार 36 लोग थे, सभी सुरक्षित। पानीपत में केमिकल टैंकर में वेल्डिंग करने के दौरान ब्लास्ट हो गया, दो लोगों की मौत, दो घायल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्रॉली पलटने से घायल हुए लोगों से मुलाकात की, अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की गई। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिवस पर विशेष सभा का आयोजन, सुशांत के पिता ने समर्थकों को धन्यवाद कहा। झारखंड के कोडरमा में महिलाओं के लिए एक टाइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, 300 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें भाग लिया। चीन की 80% आबादी कोरोना संक्रमित है, दूसरी लहर आने की संभावनाएं कम है, सरकार से जुड़े विशेषज्ञों का ये दावा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर भड़के इमरान खान, बोले पैसों के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। स्वीडन के स्टॉकहोम में टर्की के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, कुर्द समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोला। पुर्तगाल के लिस्बन में एनिमल राइट एक्टिविस्ट का मार्च है, जानवरों के अधिकारों के समर्थन, लोगों का मानना है कि पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करना अपराध है। बॉल्कन क्षेत्र में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए, अल्बानिया में बाढ़ जैसे हालात है, कई घर खाली करवा दिए गए, पानी की सप्लाई बंद। स्पेन की समाजवादी सरकार का विरोध, मैड्रिड में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर संविधान को कमजोर करने का। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी को मार गिराया, कथित तौर पर इजरायली नागरिक को चाकू मारने का आरोप है और कोशिश की थी। रूस में सोवियत संघ संस्थापक लेनिन की 99वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, रेड स्क्वायर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूक्रेन में रूस के हमले जारी है, दोनेस्क के एक गांव में मिसाइल दाग दी, कई घरों को नुकसान। नेटो देशों से मदद की गुहार लगा रहे यूक्रेनी सैनिक, बाखमत में तैनात सैनिकों ने टैंकों की मांग। रूस में ल्यूनियर न्यू ईयर की धूम, मॉस्को में चीनी लोगों ने जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया जा रहा है ल्यूनियर न्यू ईयर, सिडनी की सड़कों पर लायन डांस परफॉर्मेंस दिया गया। फ्रांस में पेंशन सुधार स्कीम के खिलाफ विरोध जारी है, पेरिस में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। नीदरलैंड्स में मनाया गया नेशनल ट्यूलिप डे, एम्स्टर्डम के गार्डन में 2,00,000 ट्यूलिप्स के फूल लगाए गए। जेलेंस्की ने कीव का दौरा किया, हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वीडन में टर्की दूतावास के सामने कुरान जलाने पर बवाल हो गया, टर्की ने स्वीडन के राजदूत को तलब कर लिया। स्वीडन वनडे, दूसरे वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा, शमी के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट बनाए, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया। वनडे रैंकिंग में 3rd नंबर पर आई टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 बनने से सिर्फ 1 जीत की दूरी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5,00,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।